वेलकम टू ऑल, आप सभी का अगेन स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां पे अगेन आई विल बी डिस्कसिंग अ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बेस्ड न्यूज विच इज अबाउट द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली. सो दिल्ली अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है. इनफैक्ट अभी नहीं, काफी साल से ये न्यूज में चल रहा है. व्हेन द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट केम टू द पावर एंड द बीजेपी गवर्नमेंट केम एट इट्स सेंटर, तब से इन दोनों के बीच में खींचा खींची चल रही है. देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल टसल विच इज गोइंग ऑन बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो इसी के ऊपर अभी रिसेंटली कल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है ओवर द ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट ऑन सर्टन अदर थिंग्स, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स में आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसी का कंट्रोल है वहां के लोकल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर. तो इसी संदर्भ में आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को कंडक्ट करेंगे, जहां पे विल अंडरस्टैंड दिस होल इशू फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और जितने भी जजमेंट्स आ चुके हैं अभी ऑलरेडी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो यहां पे देना चाहिए इज दैट इंडिया हैज अ एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म. एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, आपको पता है यहां पे दो कीवर्ड्स आ गए आपके पास. यहां पे आपके पास दो कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि पहला कीवर्ड है आपका एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है? सो फेडरलिज्म इज बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में. That yes, we'll come together, we'll collectively work for the development of the country. So center or state ek collaboration mein aata hai, ek contract mein aata hai to pursue the greater objective, that is the national interest ko serve karne ke liye. अब ये जो फेडरलिज्म है ये आपका दो तरीके का हो सकता है. एक तो सिमेट्रिकल मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जैसे आपको यूएस में देखा जाता है, और सेकेंड टाइप हो गया आपका एसिमेट्रिकल मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जो कि हम लोग इंडिया में देखते हैं. अब एसिमेट्रिकल मॉडल ऑफ फेडरलिज्म की जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है. आपको पता होगा कि एक तरफ सेंटर है और दूसरी तरफ स्टेट्स है. ठीक है, एक तरफ आपके पास सेंटर है, उसके बाद नीचे आपके पास आ गए स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के एडमिनिस्ट्रेड एरियाज यूनियन टेरिटरीज हो गए. उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में भी दो तरीके के होते हैं, एक यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर एंड द सेकेंड विदाउट लेजिस्लेचर. देन स्टेट में फर्दर आपके पास कुछ स्टेट के पास स्पेशल स्टेटस है. ठीक है, कुछ स्टेट के पास एग्जांपल पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना खुद का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था. ठीक है, कुछ सारे स्टेट्स के पास हमारे पास आपके पास स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 371A2. ठीक है, तो इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म. व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन और व्हेन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक. And this is the beauty of our constitution. This is the best part of the constitution, that constitution ko is tarike se banaya gaya tha ki jiski jo zaruratein hain usko fulfill kiya ja sake. This is known what? This is known as proportionate justice. Proportionate. Ki for example, agar maan lo aapko Nagaland hai, uske kuch alag problem hai, to usko kuch alag power denge. Fifth, sixth schedule area. जिसके अंदर आपके पास सिक्स शेड्यूल एरिया के अंदर आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स होता है. इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, दैट द डिस्ट्रीब्यूशन और द रिलेशन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज नॉट यूनिफॉर्म, रादर इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर टू एंश्योर दैट द प्रोपोर्शनेट हेल्प और द प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट of that particular state is fulfilled. और इसी के लिए आज इंडिया का फेडरलिज्म बचा हुआ है. श्रीलंका देख लो कोलैप्स कर चुका, बिकॉज श्रीलंका नेवर अकाउंटेड फॉर द स्पेशल नीड्स ऑफ द तमिल पीपल एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज हैड दैट सिविल वॉर. बट इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से डिजाइन ही किया था कि विल नॉट फॉलो अ रिजिड मॉडल, विल फॉलो अ मॉडल दैट सूट्स एवरीवन्स रिक्वायरमेंट. और इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स इस चीज को
काफी ज्यादा थैंक्स भी करते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर किया गया था, राइट? सो दैट्स व्हाई इंडिया हैज अ एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, राइट? दैट मींस द सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है इट इज नॉट सेम, इट इज बेस्ड अपॉन हाउ मच रिक्वायरमेंट डज द स्टेट नीड्स, उसके हिसाब से उसको उतना पावर दिया जाए, ठीक है? नाउ अब देखो आपके पास, अब आप लोग बात करते हैं, हम लोग यहां पे बेसिकली आज क्या बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो यूनियन टेरिटरी क्या होता है? जनरली सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड एरिया होता है। सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज, बट सम यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन लेजिस्लेचर, उनका खुद का अपना एक विधानसभा होता है जहां पर इलेक्टेड एमएलए चुन के आते हैं और वो कानून बनाते हैं, राइट? सो यही चीज आपको हमारा एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म में है। सो सम यूनियन टेरिटरीज डज नॉट हैव लेजिस्लेचर, सम यूनियन टेरिटरीज हैव द लेजिस्लेचर। कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है? पॉन्डिचेरी, दिल्ली एंड रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर। सो ये तीन ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना खुद का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उसके लिए लॉ बनाते हैं। एसिमेट्रिक हो गया, कुछ यूटीज हैं और कुछ यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, कुछ यूटीज विद लेजिस्लेचर। नाउ अगेन देखो, जिन यूटीज के पास लेजिस्लेचर है उसमें भी डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो पॉन्डिचेरी का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास जो पावर है वो अलग है एज कंपेयर टू जो दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगेन एसिमेट्रिसिटी, देख रहे हो आप, मतलब जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो मिलेगा। सो विल नॉट फॉलो एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, विल नॉट डू दिस और दैट, विल ट्राई टू एंश्योर दैट व्हाटएवर द बेस्ट कैन बी डन, कि उसका जो जरूरतें हैं वो सर्व हो जाए। इसीलिए हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 239A के बारे में और आर्टिकल 239AA के बारे में। So we will talk about Article 239A and then we'll talk about the Article 239AA. So जो Article 239A है इसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि if the parliament wants to constitute a legislative assembly in any of the union territory, they can do that. मतलब अगर पार्लियामेंट चाहती है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली हो जिसका एक खुद का एक चीफ मिनिस्टर हो, उसका अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, सो द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अ लॉ टू डू दैट। सो दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट गेट्स फ्रॉम आर्टिकल 239A। नाउ इन दिस आर्टिकल देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ सच क्रिएटेड लेजिस्लेचर। मतलब अगर आर्टिकल 239A के अंदर पार्लियामेंट किसी भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर को बनाती है तो सच लेजिस्लेचर हैज ऑल द पावर विच अ नॉर्मल स्टेट हैज, विच अ नॉर्मल स्टेट हैज। तो आपको पता स्टेट किसके ऊपर लॉ बना सकती है? स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो जितने भी मैटर स्टेट लिस्ट में है वो सेम मैटर्स के ऊपर कानून कौन बना सकती है? उस यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? तो इसी आर्टिकल 239A के पावर को यूज करते पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरी ऑफ पॉन्डिचेरी या पुडुचेरी, पुडुचेरी को अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली बना के दिया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 239A के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जिस भी यूनियन टेरिटरी में चाहती है तो उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली लेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने पौंडीचेरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया। साथ ही साथ इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि जो पावर एक स्टेट के पास होता है, फॉर एग्जांपल जो भी पावर स्टेट के पास होता है वो सेम पावर आपके पास इस इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस यूटी में है उसके पास भी होगा। हेंस देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ सच क्रिएटेड लेजिस्लेचर। तो ये तो हो गया किसी भी यूनियन टेरिटरी की बात, लेकिन दिल्ली का केस अलग है।
दिल्ली का केस आपको गवर्न होता है आर्टिकल 239 AA से। जितने बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब किससे गवर्न होंगे? आर्टिकल 239 AA से। मान लो कल को लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, अगर लक्षद्वीप में हमें एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन करना है तो कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। कहां से पावर आया? आर्टिकल 239 AA से। सो दिल्ली छोड़ के बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब गवर्न होते हैं अंडर आर्टिकल 239 AA। बट व्हेन इट कम्स टू दिल्ली उसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल है जिसको ऐड किया गया था बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर इस नए आर्टिकल को डाला गया था जिसका टाइटल है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। दिस आर्टिकल इज एक्सक्लूसिवली फॉर दिल्ली। बस ये दिल्ली के लिए आपको बात करता है, ठीक है जी? ओके। सो अब हम लोग आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है दिल्ली के ऊपर, बिकॉज यही हमें पढ़ना है, दिल्ली वाला टॉपिक, ठीक है? नाउ सो आर्टिकल 239 AA व्हिच टॉक्स अबाउट द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। अब देखो हिस्ट्री ऑफ दिल्ली थोड़ा सा जान लो। 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, फिर 1989 में बालाकृष्णन कमिटी था, उसने रिकमेंड किया था कि आपको दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होना चाहिए उसका खुद। एंड ऑन दैट बेसिस 1991 में ऑन द बेस ऑफ बालाकृष्णन कमिटी रिपोर्ट दिल्ली के लिए 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 239 AA को लाया गया, एंड साथ ही साथ जीएनसीटी, दैट इज ग्रेटर जीएनसीटी एक्ट वॉज ऑल्सो पास्ड, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इंटरनेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उस एक्ट को भी पास किया गया और इसके अंदर दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोवाइड किया गया। So, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 239 AA और 239 AA। 239 AA टॉक्स अबाउट ऑल द यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली। आर्टिकल 239 AA इज एक्सक्लूसिवली फॉर दिल्ली। व्हेन वाज इट एडेड? बाय 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अंडर विच द गवर्नमेंट ब्रॉट द जीएनसीटी एक्ट। ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशन? बालाकृष्णन कमिटी रिकमेंडेशन। अब इस एक्ट में जिसके अंदर ये आर्टिकल को एड किया गया है भाई संविधान को अमेंड करके, क्या क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड शैल बी डेजिग्नेटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो भी आपको पता है कि जनरली यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन करता है? सेंटर। कौन करता है? एक्सैक्टली प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अपना एक एजेंट को अपॉइंट करता है जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में उस यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है, तो जनरली उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं। अब उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम अलग अलग हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि उस एडमिनिस्ट्रेटर को हु वर्क्स एज अ एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको हम लोग दिल्ली के केस में क्या कहेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी साहब। नेक्स्ट, देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है भाई, इजी है। नेक्स्ट, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 10% से कम होनी चाहिए, 10% या 10% से कम। ठीक है, आपको पता है नॉर्मल स्टेट्स के केस में कितना है? 15%। क्योंकि दिल्ली छोटा है तो इस केस में 10% रखा गया। तो दिल्ली में टोटल सीट्स कितने हैं? 70 सीट्स। तो 70 सीट्स का 10% मतलब मैक्सिमम 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, मतलब 6+ CM। They can be 6 ministers and the 1 chief minister. So collectively there will be 7, or was the maximum. Next, the chief minister and council of ministers shall be appointed by the president. Now here is a confusing question. Okay, so ye yaad rakhna, because the union territory, so the chief minister and the council of ministers not appointed, because state mein kya hota hai? State level ki baat kare to state level mein jo chief minister hai aur jo council of minister hai usko governor appoint karta hai. Central level mein prime minister, unke council of ministers ko appoint kaun karta hai? President. But in the case of Delhi, because per se it's a union territory, the chief minister and the council of ministers shall be appointed by the president. Next, the council of ministers shall be collectively responsible. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द क्रक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली इंटेल्स दैट द एंटायर काउंसिल स्विम्स एंड सिंक्स टुगेदर। सो ये कुछ बेसिक प्रोविजंस थे जो ज्यादा कंफ्यूजिंग या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये केवल फैक्चुअल कुछ थे। अब हम लोग देखते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस पूरी चीज का, वो अब हम लोग इसमें।
सो वॉट इट सेज अबाउट द लॉ मेकिंग पावर, ये जो अमेंडमेंट किया गया, ये जो एक्ट लाया गया, उस पर लॉ मेकिंग पावर के बारे में क्या बात किया गया है? तो इसमें कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हैज ऑल द पावर टू मेक लॉस इन्यूमिनेटेड इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट थ्री थिंग्स, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। तो यही कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली है वो किसी भी मैटर के ऊपर कानून बना सकती है विच इज रिटन इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट थ्री मैटर्स, दैट इज पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। ये आपको पांडिचेरी में नहीं मिलेगा। पांडिचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ऑल द पावर बिकॉज पांडिचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नॉट बीन क्रिएटेड इन द आर्टिकल 239AA। ये हम लोग आर्टिकल 239AA को पढ़ रहे हैं which is only for the Delhi. So Pondicherry Legislative Assembly does not have such kind of limitations. It can make law on any of the matters given in the state list. But in Delhi, the Legislative Assembly cannot make laws related to these three things. Two, because Delhi is the capital of the country. And because it's a capital, the central government has to have that kind of extra responsibility because, you know, agar police aap state government ke upar chhod doge, और G20 जैसी बड़ी समिट होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी कि वहां पे आपको सिक्योरिटी इंश्योर करे? एम्बेसी को प्रोटेक्ट करना है, हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज विजिट करते हैं, उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। सो यू कैन नॉट गिव ऑल दीज थिंग्स टू अ स्टेट। दिस इज द रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड। लैंड क्योंकि दिल्ली के लैंड में आपको पार्लियामेंट है, एम्बेसीज है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, राष्ट्रपति भवन है। तो ये इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कानून बनाने का पावर आप वहां के स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। इसलिए दीज थ्री थिंग्स के ऊपर आप कानून नहीं बना सकते। ना क्या इसका मतलब सेंटर जो है वो केवल इन तीन चीजों के ऊपर कानून बना सकता है और बाकी चीजों में जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है? बिकॉज दिल्ली अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये देखो, हाउ सेंटर कैन प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। सेंटर अपना इंटरेस्ट, यूनियन गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट दिल्ली में कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? तो पहला तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका कि दिल्ली असेंबली हैज नो पावर टू मेक लॉज ऑन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। So this is the first thing by which the assembly or the union government can protect its interests. Second is a very important thing. So yahan pe kya hai? Public order, police aur land kaun dekhega? Delhi sarkar nahi dekh rahi hai, to public order, police aur land kaun dekhega? Union government. The union government, basically Ministry of Home Affairs, wo dekhenge policing kya ho raha hai, public order kya hai, लैंड क्या है, ठीक है। सो ये है आपका पहला वे जिससे आपको यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली की असेंबली के ऊपर कंट्रोल कर सकती है फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। सेकंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड जो कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लो दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ लाया एक्सेप्ट थ्री थिंग्स, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड छोड़ के किसी बाकी चीज के ऊपर लॉ लाया, लेकिन अगर लगता है पार्लियामेंट को कि ये लॉ जो है वो सही नहीं है, तो पार्लियामेंट एक नया लॉ लाके दिल्ली गवर्नमेंट के लॉ को स्क्रैप डाउन कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर कोई लॉ लाया, नाउ द पार्लियामेंट थिंक्स दैट दिस लॉ विल नॉट बी द बेस्ट वन, दिस लॉ इज नॉट करेक्ट, एंड द पार्लियामेंट ब्रिंग्स अ न्यू लॉ, देन द पार्लियामेंट्स लॉ विल ओवरराइड द लॉ ब्रॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये अगेन एक स्पेशल पावर दिया गया है, बट लेट मी टेल यू, ये वाला पावर जो है इसके अंदर सेंटर कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, दिस इज डन बाय यूनियन गवर्नमेंट, बट हियर इट इज डन बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट आपके दिल्ली असेंबली के पावर को कट डाउन कर सकती है बाय ब्रिंगिंग अ लॉ इन एनी ऑफ द मैटर विच इज लिस्टेड इन द सेवेंथ शेड्यूल, ठीक है। सो ये आपको यहां पे जानना पड़ेगा, ठीक है। सो द आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट अ प्लेनरी पावर, प्लेनरी पावर मतलब वाइड पावर, ठीक है, टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द लिस्ट्स ऑफ द सेवन शेड्यूल फॉर एनसीटीडी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इट गिव्स ओवरराइडिंग पावर टू द पार्लियामेंट, ठीक है।
तो क्या एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मान लो बिहार स्टेट है, अगर बिहार में कोई लॉ आया जो कि स्टेट लिस्ट में है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट में है, तो अगर मान लो बिहार गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर कोई कानून लाया, तो क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई नया लॉ उसी सेम सब्जेक्ट पे लाके बिहार गवर्नमेंट द्वारा लॉ पास किए गए को ओवरराइड कर सकता है? नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ यूनियन टेरिटरी, सो इन इट्स फाउंडेशन इट इज अ entity which has to be governed by the center or the union government. But because these union territories have also the legislative assembly, hence they have their own lawmaking power, like Pondicherry and Delhi. But there's one difference that Delhi cannot make law on three subjects: police, public order, land. Second, ki agar kal ko Delhi government kisi bhi baki cheez pe, ye teen cheez chhod do, बाकी कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, सेवन शेड्यूल में मेंशन है, उस पे अगर कानून लाता है या लॉ लाता है और पार्लियामेंट क्या किया उसके ऊपर कोई और लॉ ले आया, सो पार्लियामेंट कैन ओवरराइड द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। सो दैट्स व्हाई इन द मैकेनिजम्स के थ्रू सेंटर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग What it says on the role of LG, Lieutenant Governor के role के बारे में, ये जो act है, ये जो amendment है, जो article 239 AA है, वो क्या कहता है LG के role पे? ये कहता क्या है? LG has to act as per the aid and advice, जो normal states की case में होता है, given by the Council of Minister led by Chief Minister. बाकी states में भी यही है कि the Governor has to act as per the aid and advice of the Council of Minister led by CM, same चीज़ निकाल, but now In case of difference between the state's elected government and the LG, अगर कोई difference हो गया दोनों के बीच में, the latter has to refer the matter to the president. The latter कौन हुआ? The LG. So अगर कोई difference of opinion होता है between the state's elected government and the LG, then the LG has to refer the matter to the president, whose decision is binding on both. Both मतलब LG के ऊपर भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। अब देखो ये कोई भी मैटर हो सकता है, किसी चीज के ऊपर डिफरेंस हो, ये देखो बहुत वाई पावर नहीं लग रहा है आपको, कोई भी चीज के ऊपर डिफरेंस हो तो द LG कैन रिजर्व दैट मैटर टू द प्रेसिडेंट। यही पॉलिटिकल इश्यू है एक तरीके से, हर एक मैटर रिजर्व करने लग जाता है LG, फिर अब आगे जाके देखेंगे। इन द मीन टाइम जब तक प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं ले पाता उस चीज के ऊपर, द एलजी कैन टेक द एक्शन ऑन इट्स ओन, द एलजी कैन टेक द एक्शन ऑन इट्स ओन। समझ रहे बात? कि तीन चीज के ऊपर तो भैया आप कानून बना ही नहीं सकते हो, बाकी चीज के ऊपर आपने कानून बनाया या कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया, अगर कभी भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो द एलजी कैन रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट, और जब तक प्रेसिडेंट उस मैटर के ऊपर अपना ऑर्डर नहीं रिलीज करते हैं तब तक एलजी गेट्स ऑल द पावर टू एक्ट ऑन दैट टेम्पररी बेसिस, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि कौन सा मैटर आपका एलजी रेफर कर सकता है, क्या सारे मैटर रेफर कर सकता है, यही प्रॉब्लम है आपका। एग्जाम्पल, रिसेंटली द एलजी रेफर द इश्यू पर्टेनिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पैनल ऑफ लॉयर्स टू आर्ग्यू द केस रिगार्डिंग द राइट्स टू द प्रेसिडेंट। तो कौन कौन से राइट्स, दिल्ली राइट, जो दिल्ली राइट हुआ तो उसमें कौन कौन से लॉयर्स रिप्रेजेंट करेंगे केस को, उसका भी जो केस था एलजी ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ये आप डिफरेंस समझो, ठीक है, क्या पे कैसे चल रहा है काम, ठीक है। सो अगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो एलजी साहब रेफर कर सकते हैं, और यही हमारा आगे जाके पॉलिटिकल इशू बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं डिस्प्यूट के बारे में, डिस्प्यूट क्या है। डिस्प्यूट, पहला डिस्प्यूट क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कौन करता है, इसी के ऊपर जजमेंट आया है, ये लोग देखेंगे अभी। सेकंड डिस्प्यूट कि एलजी साहब फाइल्स के ऊपर अननेसेसरीली बैठे रहते हैं, कि एक फाइल गया मान लो उसको साइन करना पड़ेगा बट वो बैठा हुआ है बिकॉज कोई टाइम लिमिट है नहीं जिसके अंदर एलजी को एक्सेप्ट करना ही करना है। ये इशू आप हमेशा, अभी देखो तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि, उन्होंने बहुत सारे बिल्स के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया because constitution where there is no time limit given to the governor or to the president
टू गिव देयर एसेंट टू अ बिल और टू रिजेक्ट द बिल. भाई आपको जो भी करना जल्दी करो ना, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर इट? सो दैट्स द प्रॉब्लम. तो एलजी सिटिंग ओवर द फाइल्स अननेसेसरली. केजरीवाल डिस्क्राइब्ड एलजी एज अ हेडमास्टर एंड सेड दैट इवन माय टीचर्स हैव नॉट चेक माय होमवर्क द वे एलजी डस. इतना समय ले रहे हो, इतना तो मेरे टीचर ने होमवर्क चेक नहीं किया है. ठीक है, ही कीप्स सिटिंग ऑन द फाइल्स एज दो हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, द स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट, और इसीलिए आप फाइल्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हो और पेंडिंग पड़ा रहता है ये चीजें. तो ये इशू है, और भी बाकी इश्यूज हैं, बट ये तो ब्रॉडली इशू है. ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? एंड द एलजी डज नॉट एक्ट ऑन द टाइम, एंड व्हेन ही डज नॉट एक्ट ऑन द टाइम देन अगेन आपका जो गवर्नेंस का प्रोसेस है वो स्टॉल होता है. नेक्स्ट, इसी लीगल बैटल के अंदर कि एलजी का क्या पावर है और लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या पावर है, समझ में आ रही है? तो एक तरफ आपका हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, एक तरफ हो गया आपके पास गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर. ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है. ठीक है, बिकॉज नेशनल कैपिटल है तो आपको सेंटर का भी कंट्रोल चाहिए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का तो चाहिए चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो ये दोनों अपने जगह सही है. प्रॉब्लम कहां है, कहां पे द बैलेंस लाइज, ये दोनों के बीच में बैलेंस कहां है? और बैलेंस बिल्कुल सही है. प्रॉब्लम क्या होता है जब दोनों अलग अलग पार्टी के हैं. अभी मान लो अगर बीजेपी की पार्टी सेंटर पे रहती और बीजेपी का पार्टी स्टेट में दिल्ली में रहता, तब ये प्रॉब्लम ही नहीं आता. तो प्रॉब्लम सिस्टम का नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिकल कल्चर का. जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज फ्रॉम ऑपोजिशन, यू विल नॉट अलाउ द ऑपोजिशन टू वर्क. ये दोनों सेम के लिए है. आम आदमी पार्टी विल क्रिटिसाइज द बीजेपी, बीजेपी विल क्रिटिसाइज द आम आदमी पार्टी. कोई मेरिट के ऊपर बात नहीं कर रहा है, कोई चाहता नहीं है. Everyone is trying to get that political mileage from this incident. सब अपना पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हुए. नहीं तो ये इशू बहुत बड़ा है. नहीं यार, एलजी को इशू है क्या कि आप यहां से फाइल भेज रहे हो, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले फाइल भेज रहे हैं एलजी को. अब एलजी क्या कर रहा है, उस पर कुछ काम नहीं कर रहा है, फालतू के सारे बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, इससे बहुत ज्यादा डिले हो जाता है. अब ऑब्वियस सी बात है, एलजी को तो रहना चाहिए बिकॉज इट्स अ कैपिटल. तो एलजी को इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या ये बिल जो है उससे हमारा सिस्टम दिल्ली का अच्छा होगा कि नहीं होगा. But the problem is it starts to get misused. So in this context, in 2018, five judge constitutional bench आता है और प्रयोजन्स ये जो bench है ये बहुत important चीज कहता है. आप देख सकते हो कि LG has not been entrusted with any independent decision making power. कि LG के पास अपना कोई independent decision making power नहीं है. He has to either act on the aid and advice given by the Council of Minister. या तो उसके पास अपना इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, या तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करे, या नहीं तो वो जो डिसीजन प्रेसिडेंट लिया है उसके बिहाफ पे एक्ट करे. ठीक है, सो आई एम द लेफ्टिनेंट गवर्नर, आई डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, हैव टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स. पहला, एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सेकेंड, इफ द एलजी हैज रेफर्ड टू द मैटर टू द प्रेसिडेंट, देन व्हाटएवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज, यू सिंपली फॉलो दैट. मतलब आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. एलजी कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट. ठीक है, एलजी कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट. ठीक है, सारे डिसीजन में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते. ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू बी कम्युनिकेटेड, देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन द कॉन्क्यूरेंस ऑफ एलजी इन ऑल द मैटर्स. कि आपको एलजी को सारे चीज के लिए पूछना जरूरी नहीं है. हाँ, आपको बताना है कि हम ये कर रहे हैं. वही कह रहा है कि एलजी कैन नॉट इंटरफेयर, डिसीजंस हैव टू बी कम्युनिकेटेड, बट देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन द कंक्यूरेंस, दैट इज द कंसेंट ऑफ एलजी इन ऑल द मैटर्स. नहीं तो फिर फायदा ही क्या है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जब हर चीज के लिए आपको एलजी से पूछना, तो एलजी को ही पावर मिल जाओ. So that's what the Supreme Court has said, ki yes boss, you have to communicate your decisions, but you don't have to take the consent of the LG in each and every issue. The difference of opinion between LG and CM, Lieutenant Governor and the Council of Minister, should have a sound rationale. Reason difference hona chahiye, aisa nahi ki political differences hona chahiye. And Lieutenant Governor should act as a facilitator and not as an adversary. Facilitate karega the process of the governance, not as an adversary. It will not try to halt the process of governance in Delhi. So, ये हमारे पास 2008 के पांच जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आया था और इसने सिंपली कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज टू हैव द से.
Yes, LG's post is required. LG has its own role. LG has to act as a facilitator. LG has to act as a representative of the center. But LG should understand that, boss, you are a nominated person. You should not interfere into the day-to-day process. Yes, the communication should be made to you, but you do not have to give the consent, or you should not be asked for the consent in each and every matter. So, ye 2018 ka 5 judge ka constitutional bench ka aapka judgment aaya. Lekin ye sab cheez chal hi raha tha. Again, a political battle start ho gaya, because now the parliament has brought, the central government has brought the Government of National Capital of Territory GNCTT Amendment Act 2021. Ab ye Amendment Act again a controversial cheez bana gaya. Again, ab ye Supreme Court mein ek sub judice matter hai. This case has been referred to the Supreme Court. Theek hai. Abhishek Manu Singh on the behalf of Delhi government is representing the case. ठीक है, तो ये अगेन कॉम्प्लिकेटेड केस आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के पास. तो ये देखेंगे हम लोग कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाते इंडिया में, एंड दैट्स वन ऑफ द इश्यू. यहां पे देखो क्या है, दिस बिल अमेंड्स द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट जो 1991 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 239A डाला गया, वो सब उसी एक्ट को ये वापस से अमेंड करता है. क्या क्या है आप देखो इस एक्ट में. पहला, द टर्म गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ मेड विल इंप्लाय लेफ्टिनेंट गवर्नर. जहां भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट मींस व्हाट, लेफ्टिनेंट गवर्नर. और ये ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप देखोगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही कहा गया, प्रेसिडेंट विल डू दिस, गवर्नर विल डू दिस, बट एट द एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज डूइंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द सीएम और द पीएम. सो यही कह रहा है कि जो भी लॉ है वो सब आपका, जहां पे गवर्नमेंट वर्ड मेंशन है, दैट इनफैक्ट मेंशंस द मींस द लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट, The Act allows the Assembly to make rules to regulate the procedure and conduct of the business in the Assembly. कि कैसे दिल्ली असेंबली के प्रोसीजर्स और इन चीजों को रेगुलेट किया जाएगा. तो अभी तक दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अपना इंडिपेंडेंट पावर था, बट नाउ अंडर दिस एक्ट ये कहा गया है कि जो भी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे अपने हाउस को कंडक्ट करने के लिए, सच हैज टू बी मेड इन कंपल्सरी विद द रूल्स. It has to be made consistent with the rules in the Lok Sabha. तो जो भी Lok Sabha के rules हैं, वो same rules उसके साथ consistent होना चाहिए जो Delhi Legislative Assembly के rules and regulations हैं. अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? Again, this is a very important point, complicated, critical point, controversial thing. What was the need of this? Next, this act prohibits the Legislative Assembly from making any rule to establish itself any of the committee. मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी ऐसा कमेटी का गठन नहीं कर सकता है जिस कमेटी का काम आइदर ऑफ द टू है. कौन कौन सा चीज, कंसिडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो हर दिन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ काम होता है. सेकेंड, कंडक्ट एनी इंक्वायरी इन रिलेशनशिप टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है, मान लो पुलिसिंग के रिलेटेड कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर है को कोई ऐसा कमिटी बनाए और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को इंक्वायरी करे? ठीक है, ये बेसिकली क्यों होता, बिकॉज अब जो दिल्ली राइट हुआ था, तो दिल्ली राइट अगर राइट हुआ तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है, बिकॉज पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, कम्स अंडर द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कमिटी बना दिया, हम इंक्वायरी करेंगे कि राइट क्यों हुआ. इसीलिए कहा गया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के लिए कोई कमेटी को नहीं बना सकते हो जो उसका कमेटी का काम है कि वो इंक्वायरी करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का. तो इसलिए एक्ट कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव एनी पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी व्हिच इज रिलेटेड टू डू आइदर ऑफ द टू थिंग्स. नेक्स्ट, द एक्ट रिक्वायर्स द एलजी टू रिजर्व सर्टेन बिल्स पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट है अभी 1991 वाला, उसमें ऑलरेडी इन चार चीजों के केस में द गवर्नर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज टू कंपल्सरली रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये पहले से था. अगर हाईकोर्ट का पावर कम कर रहे हो अब दिल्ली का, तब एलजी हैज टू कंपल्सरली रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट खुद डायरेक्ट करता है कि हाँ इसको आप रिजर्व कर दो, सैलरी एंड अलाउंसेस को लेके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा असेंबली का, तो इन चारों केसेस में पहले से ही एलजी के ऊपर कंपल्शन था कि वो इन मैटर्स को प्रेसिडेंट के पास रेफर करे. इस नए एक्ट में जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या किया गया है, द बिल और द न्यू एक्ट रिक्वायर्स द एलजी टू आल्सो रिजर्व दोज बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट व्हिच इंसिडेंटली कवर्स एनी ऑफ द मैटर्स आउटसाइड द पर्ड्यू ऑफ द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली.
So, ये जो नया एक्ट है, it requires the LG to also reserve those bills which for the president, which incidentally covers any of the matter which is outside the purview of the powers of the legislative assembly. मतलब जो भी LG को लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना सकती है, तो उन सारे मैटर्स को एलजी को रेफर करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रॉब्लम क्या है, ये डिसाइड कौन करेगा कि ये मैटर जो है वो आपको दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू में आती है कि नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ा वाइड कॉनोटेशन है, काफी ज्यादा मतलब केवल रैंडमली लिखा हुआ है, इसका मिसयूज हो सकता है, कल को एलजी ने कह दे कि हाँ ये तो आपके अंदर आता ही नहीं है, आप इसको रेफर करें। So that's the problem, right? So the bill, ये तो पहले चार केसेस में आपको कंपल्सरली भेजना था, but अब एक और चीज कहा गया कि now the LG can also reserve the bill to the president if that bill incidentally covers any of the matters which are outside the purview of the power of the legislative assembly. So ये आपका बहुत बड़ा problem आया। Next, the act specifies that all executive decisions taken by the government, whether taken on the advice of the minister or otherwise, must be taken in the name of LG. Executive action का मतलब एक तो legislative action होता है law बनाना, executive action का मतलब policy implement करना, तो executive decisions का मतलब जो day and order में, हाँ ठीक है यहाँ पे इतने सारे street vendors का लगाया जाएगा, या आज lockdown लगेगा, यहाँ पे ये shops को बंद करना है, तो ये सब जो executive decisions होते हैं जो आप day to day लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जितने भी वो executive actions थे जो गवर्नमेंट लेती है, एक्सेप्ट थ्री थिंग्स, पुलिस पब्लिक ऑर्डर लैंड तो ले सकती है, बाकी जितने चीजों पे, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स खोलना, उन सारे चीज जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे गवर्नमेंट के द्वारा, दैट हैज टू बी टेकन इन द नेम ऑफ एलजी। ये पहले से था। अब इस नए एक्ट में क्या चीज किया गया, देखो द बिल और द न्यू एक्ट, इट एड्स दैट ऑन सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स में एज स्पेसिफाइड बाय द एलजी, जो एलजी खुद स्पेसिफाई करेंगे, एलजी का ओपिनियन आपको लेना पड़ेगा बिफोर डूइंग द एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि द एक्ट स्पेसिफाइज दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट वेदर टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स और अदरवाइज मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ एलजी। जितने आप एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहे हैं सरकार, वो आपको एलजी के नाम पे लेना पड़ेगा। ये जो नया एक्ट है ये ऐड करता है कि कुछ मैटर्स में जो एलजी साहब खुद स्पेसिफाई करेंगे, उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको उनका पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। अब देख रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा आपने एलजी के पावर को बढ़ा दिया है। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर नॉट ओनली टू पुलिस पब्लिक ऑर्डर लैंड, कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर हो सकता है। स्कूल खोलना, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है चलो हमने नेशनल स्कूल पॉलिसी लाया और हमने डिसाइड किया कि यहां पे स्कूल खुलेगा, और कल को मैंने क्या एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया कि हाँ स्कूल खोल देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगेन इट हैज टू बी एलजी ने कह दिया कि नहीं फर्स्ट यू हैव टू आस्क हिम। इसलिए देखो कि बहुत ज्यादा न्यूज चलता है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं खोलने दे रहे, हॉस्पिटल ही नहीं खोलने दे रहे, बिकॉज इस एक्ट के अंदर द एलजी हैज द पावर कि आप पहले मुझसे पूछ लें इस एग्जीक्यूटिव एक्शन को करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई अगेन द प्रॉब्लम बिगिंस। तो ये आपका जो नया एक्ट था, ये जो आपका नया एक्ट था, इसके अंदर ये सारे अगेन कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हमें देखने को मिला। ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या क्या, चैलेंजेस वही है, चैलेंजेस है आपका इट इक्वेट्स द पोजीशन ऑफ एलजी विद दैट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एलजी इज अ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, और आप दोनों को क्या किया आपने, आपने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, authorizing the lieutenant governor to withhold the consent from bills who are outside, which are outside the scope of legislative power. हमने बात किया था कि अगर lieutenant governor को लगता है कि ये जो particular bill है, it is outside the power of the legislative body, then it can reserve the thing to the president. अब again ये discretionary power, इसका misuse हो सकता है, हो सकता है वो matter आपको legislative assembly के power में हो, but LG ने कह दिया कि नहीं मुझे तो लगता है कि ये है ही नहीं आपके power के अंदर। Next, it divests the executive power of the elected government of Delhi by transferring the power of the lieutenant to the lieutenant governor and the secretaries. The executive power ke case mein bhi, ab humne dekha tha kis tarike se executive actions ke case mein bhi LG specify kar sakta hai ki is executive action ko perform karne ke liye pehle aap mujhse consent le lo. To isliye jo power hai, executive power jo elected government ka, wo bhi transfer kar diya gaya hai lieutenant governor aur bureaucracy ke paas.
It empowers the officials to interfere into the day-to-day administration of the Delhi government by introducing the requirement of obtaining the lieutenant governor's view before executing a decision of the Council of Ministers. अब देखो जैसे for example, मान लो मैं दिल्ली का education minister हूँ, मैंने एक पॉलिसी लाया कि मैं यहाँ पे स्कूल खोलूंगा, एक लॉ मैंने पास कर दिया, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट कौन करता है? परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहते थे ब्यूरोक्रेसी, अब मैंने कह दिया अपने एक ऑफिसर को कि यार जाओ यहाँ पे स्कूल स्कूल खोलो, अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अब एलजी के पास आपने पावर दे दिया है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन करना है तो एलजी कह सकता है कि आप पहले मुझसे पूछ लो, तो वो ब्यूरोक्रेट क्या करेगा, वो जाके पहले एलजी से पूछेगा। यही प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्यूरोक्रेसी और एलजी एक तरफ हो जा रहे थे और दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ पावर ही नहीं बच रहा था। इसी में आज जजमेंट आया है कि वो क्या ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ऑफिसर क्या बोलेगा कि नहीं नहीं एलजी साहब ने तो मुझसे खुद पूछा ये मैं करूं या ना करूं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट शिफ्टेड द पावर। ठीक है, सो इट एम्पावर्ड द ऑफिशियल्स टू इंटरफेयर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स व्यू बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, इंटरफेयरिंग विद पावर्स ऑफ द असेंबली टू फ्रेम इट्स ओन रूल ऑफ बिजनेस। अब आपने कह दिया कि असेंबली का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा दैट हैज टू बी एज पर द लोकसभा रूल्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम के पॉइंट्स आपके यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कि आपको बिल अब रिजर्व करने का पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर से बढ़ा दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में भी अब इंटरफेयर कर सकता है। तो पहले क्या था कि भैया दिल्ली गवर्नमेंट के पास सारा पावर है, केवल तीन चीज को छोड़ के, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, बाकी चीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर वो तीन चीजों के ऊपर करेगा काम। अब क्या है कि अब आपने उन तीन चीजों के अलावा ये भी कह दिया है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि ये जो मैटर है ये इसके पावर के बाहर है, उसको आपको रिजर्व कर दो। सेकंड, कि बाकी हर एक चीज में, हेल्थ, एजुकेशन, जो ऑलरेडी उसका काम है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि उनका पहले कंसेंट लेना चाहिए तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये डे टू डे इंटरफेरेंस का सवाल हो गया है। हर दिन कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लो, आप यहाँ पे स्कूल खोलेगा, यहाँ पे हेल्थ का, यहाँ पे हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, आपको एलजी से पहले परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि एलजी ने कह दिया। अब एलजी अपने ब्यूरोक्रेट के थ्रू आपको हैरास करेगा। तो ये पूरा इशू था। ठीक है, इसलिए अभी तक केस अगेन अभी ये पेंडिंग है, देखते हैं उसके ऊपर क्या चलेगा। लेकिन उसमें एक अच्छा डिसीजन आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो करंट डिस्प्यूट से रिलेटेड है। अब करंट डिस्प्यूट है क्या, समझो दिल्ली गवर्नमेंट तीन चीजों के ऊपर कानून नहीं बना सकती है, पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर। बाकी चीजों पर दिल्ली गवर्नमेंट तो इंडिपेंडेंट है, उन चीजों पर लॉ बना सकती है। अरे ठीक है, मान लो एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन के ऊपर लॉ तो बना सकती है दिल्ली गवर्नमेंट। अब बात आता है इसको एग्जीक्यूशन का, इसको इंप्लीमेंटेशन का। तो इंप्लीमेंटेशन कौन करता है ग्राउंड लेवल पे? द ब्यूरोक्रेट्स, द आईएएस और द डैनिक्स और एनी अदर सर्विसेज, वो लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सवाल ये आया कि क्या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दिल्ली सरकार का कंट्रोल है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है? ठीक है, समझना नहीं बात कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, उस पर तो लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके ब्यूरोक्रेसी पे कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बाकी चीजों के ऊपर जिस पे लॉ कौन बना सकता है? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या उसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है? क्या यह सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है? तो यही केस आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर के केस में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन बाकी हर एक सर्विसेज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऊपर लेजिस्लेटिव पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। दैट मींस कंप्लीट कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का, एक्सेप्ट ऑन दीज थ्री मैटर्स। बाकी हर एक चीजों में जो भी वहां के ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे सारा कंट्रोल किसका होगा? दिल्ली गवर्नमेंट। और ये क्यों होगा? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मान लो हम, चलो वो आगे देखते हैं। ठीक है, वो आगे देखते हैं, पहले समझते हैं कि क्या है इसको चीजें। ठीक है, तो सेंटर हैड साउट रेफरेंस टू द लार्ज बेंच 27 अप्रैल 2022 को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि ये जो मैटर ऑलरेडी चल रहा था कि ब्यूरोक्रेसी का किस पे कंट्रोल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस मैटर को हमें एक लार्जर बेंच के पास रेफर कर देना चाहिए। बिकॉज उसने कहा
arguing that usne kya argue kiya ki needed the power to make transfer and postings of officers in Delhi on account of it being the national capital and the face of the nation. Because it's the national capital and the face of the nation, the central government needs to have such kind of power to control the bureaucracy. Otherwise, the Delhi can completely turn into a chaos. So, ab judgment aaya kya? Supreme Court ka constitutional bench unanimously Delhi government ke favor mein judgment diya. Usne kaha, the five-judge constitutional bench headed by Honorable Chief Justice of India Deepak Chandrachud held that the legislature, that is the Delhi Assembly, has control over the bureaucrats in administration of services except in areas outside the legislative powers of NCT, that is public order, police and land. In teenon cheez ke upar, jiske upar Delhi government law hi nahi bana sakti, to executive power to hoga hi nahi uske paas. लेकिन इन तीन चीजों के अलावा जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है उस पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, मतलब उन सारे चीजों में ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही आएगा. बिकॉज अगर आप सेपरेट कर दोगे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन को, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये जजमेंट क्या कह रहा है. इफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट is not given the power to control the officers, the principle of triple chain of accountability will be redundant. If the officers stop reporting to the ministers or do not abide by their direction, the principle of collective responsibility, very, very important judgment, the principle of collective responsibility is vitiated, is affected. बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन द सेंटर टू द लोकसभा. अब मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ कि अगर आप गलती करोगे तो आपको पूरा हटाया जा सकता है. लेकिन मान लो मैं मिनिस्टर हूं, मैं दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर हूं, मैंने लॉ बना दिया, यहां पर स्कूल बनेगा, मैं स्कूल बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया अपने एक ऑफिसर को, अब वो उसको स्कूल को बना ही नहीं रहा है. बिकॉज वो ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं स्कूल में बना छोड़ दो, तब भी जो प्रॉब्लम है ना कि मेरे अंडर एक ऑफिसर काम कर रहा है, मैं उसका मिनिस्टर हूं, मैंने उसको कहा कि अब जाके एग्जीक्यूट करो, स्कूल बनाओ, बट वो ब्यूरोक्रेट है वो किसके अंदर आ रहा है काम, वो उसके को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई मैंने तो सब कुछ किया, मेरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, तो मैं अपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सरसाइज कैसे कर सकता हूं? आई हैव टू गेट द वर्क डन. लेकिन अगर वो बात ही नहीं कर रहा है, वो मेरी बात ही फॉलो नहीं कर रहा है, मैं उसको बोल रहा स्कूल खोलो, वो खोल ही नहीं रहा है, वो डेढ़ साल से दो साल से पेंडिंग किया हुआ है कि हाँ खोलते हैं ना मिनिस्टर साहब, और मैं उसको कुछ कर नहीं, मैं उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूं, बिकॉज उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो प्रॉब्लम हो गया ना कि मैं अपने ऑफिसर को कह रहा हूं, बीइंग अ दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम टेलिंग सर मैम प्लीज गो एंड मेक द स्कूल, but that officer is coming under the power control of the central government, aur wo us file ke upar der do saal tak baitha hua hai, main usko transfer bhi nahi kar pa raha hu. Aur legislative assembly mein mujhse sawal pucha gaya kya school khulna tha aapne, to khola nahi school, kar kya lete aap? To meri to accountability wahan pe appeal ho jayegi, but kya meri galti hai usme? To jab tak mere officers mere andar kaam hi nahi karenge to main apna kaam kaise kar sakta hu? Theek hai, so collective responsibility ko hone ke liye I have to have that control over my officers, नहीं तो मेरी क्या गलती है? सो दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये पावर नहीं दोगे टू हैव द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, टू कंट्रोल द ऑफिसर्स, देन द ऑफिसर्स विल नॉट, द ऑफिसर्स विल स्टॉप रिपोर्टिंग टू द मिनिस्टर, एंड हाउ देन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड, दैट्स अ गुड थिंग. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन in a state over matters on which both the union and states can legislate is limited to ensure that the governance of state is not taken over by the union. This would completely abrogate the federal system of governance and the principle of representative democracy. अगर आप इस तरीके का सेपरेशन करोगे तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो विशिएट हो जाएगा. और साथ ही साथ कहा कि द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सो वही कह रहा है अगेन, इस पूरे जजमेंट का क्रक्स यही है
यार दिल्ली वालों आप समझ जाओ, दिल्ली का जो इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज को कहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका केवल 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल है वाया एलजी, बाकी हर एक चीजों के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ कुछ ग्रे एरियाज हैं जहां पे आपको डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है एलजी के ऊपर, उसका एलजी कभी कभार मिसयूज करते हैं, कभी कभार मेरिट्स के ऊपर डिसीजन लेते हैं, कभी कभार उसको मिसयूज भी करते हैं। सो ये पूरा प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इसको रिजॉल्व नहीं किया सकता है, दैट ओनली नीड्स पॉलिटिकल विल, इट ओनली नीड्स पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप, इट ओनली नीड्स अ एथिकल पॉलिटिकल कल्चर, इट ओनली नीड्स अ कल्चर ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, देन द होल थिंग विल बी रिजॉल्व्ड। बट द प्रॉब्लम इज कि दोनों आपस में लड़ते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वे अहेड, क्या क्या किया जा सकता है, तो आप देखो कैसे इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बात तो एक इस पूरे दिल्ली का जो केस है, पांच जज बेंच ये सब छोड़ो, रेफर दिस मैटर टू अ 7 or 11 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू क्लियर द फज अबाउट इट। इसको पूरा होलिस्टिकली हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड, प्रेसिडेंट डिसीजन शुड बी सॉर्ट ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट इशू, मतलब एलजी शुड नॉट रेफर एवरी मैटर टू द प्रेसिडेंट। सेकंड, थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट एंड मोरालिटी शुड बी एंश्योर्ड, व्हाट इज नीड इज द स्टेट्समैनशिप। नेक्स्ट टू अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, वॉशिंगटन डीसी मॉडल, आपको पता है वॉशिंगटन डीसी इज अगेन द कैपिटल ऑफ यूएस। अब ये वॉशिंगटन डीसी क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दिल्ली कैपिटल है वैसे वॉशिंगटन डीसी आपका क्या है, कैपिटल है, लेकिन इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स नॉट अ यूटी, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ फेडरल डिस्ट्रिक्ट, ये एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है विच कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कांग्रेस, दैट इज द यूएस पार्लियामेंट। तो मतलब उस पूरे वॉशिंगटन डीसी को कौन चला रहा है, वहां का कांग्रेस, उस कांग्रेस में से कोई एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, द डिस्ट्रिक्ट देयरफॉर इज नॉट पार्ट ऑफ एनी यूएस स्टेट। तो किसी भी यूएस स्टेट कुछ नहीं है, इट इज कंप्लीटली कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएस कांग्रेस। तो वैसे ही हम लोग दिल्ली में कर सकते हैं। ये देखो दिल्ली का ये पूरा एरिया है, ये आपका एनडीएमसी वाला एरिया है, ये आपका दिल्ली कैंटनमेंट वाला एरिया है, और बाकी हमारा नॉर्मल दिल्ली है जो कि हमारे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी ये एनडीएमसी वाला हो गया, और ये हमारा हो गया आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया। तो ये एक सुझाव है कि एनडीएमसी वाला जो एरिया, यहीं पे सारा पार्लियामेंट, एम्बेसी, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपके यहीं पे होते हैं। ये देखो ये सारे चीजें आपके यहां पे होते हैं हमारे, ठीक है, ये एनडीएमसी वाला जो एरिया है। तो कहा जाता है कि जो एनडीएमसी वाला एरिया जहां पे एम्बेसीज हैं, पार्लियामेंट एंड अदर थिंग्स, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंप्लीट कंट्रोल दे दो भाई, इसको आप सारे मैटर्स के ऊपर आप कंट्रोल करो, और जो बाकी बचा और दिल्ली कैंटनमेंट जो डिफेंस वाले हैं वो कंट्रोल करेंगे, और बाकी जो पूरा एरिया है जिसमें नॉर्मल लोग रहते हैं, दिस यू कंप्लीटली हैंड ओवर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसको एक स्टेट बना दो या तो यूपी रहने दो, बट गिव द एब्सोल्यूट पावर टू द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो एनडीएमसी है, जो क्रिटिकल एरिया जहां पे एम्बेसी, पार्लियामेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप कंप्लीट कंट्रोल में दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या नहीं तो आप एनडीएमसी वाले एरिया को ले आओ इंडिया के पार्लियामेंट के कंट्रोल में, जैसे वॉशिंगटन डीसी मॉडल है, तो उससे ये पूरा प्रॉब्लम खत्म है। थोड़ा सा कुछ रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ एरियाज मान लो यहाँ पे अगर कोई एम्बेसी है तो उसको भी एनडीएमसी में लाना पड़ेगा। तो ये कुछ करके आपको एक एक कुछ बनाना पड़ेगा, जो एनडीएमसी वाला है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एरिया है, वो पूरा आपका उसके अंदर आ जाए, और जो बाकी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्मल वाला है वो आपका कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके पीडीएफ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा, इस पीडीएफ को आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आप थोड़ा सा गूगल खुद से करना, ट्राई करना 2-3 बार इस वीडियो को देख के समझने का, इंपॉर्टेंट है, मेंस के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है ये, प्रीलिम्स के में भी क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 239A पे, 239AA पे, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हाउ यू कैन गेट इन टच विद मी, सो माई नेम इज कुमार सुजय, और मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना में पढ़ा रहा हूं अभी करंटली, एंड माय डेजिग्नेशन इज फैकल्टी इन कंटेंट हेड। यू कैन राइट टू मी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कोई आंसर चेक करवाना है, सो यू कैन डायरेक्टली मेल मी एंड आई विल चेक योर आंसर, एंड देन आई कैन सजेस्ट यू सम इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो।
अगेन दिल्ली गवर्नमेंट का ये जो पूरा इशू है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मी इन डिलीवरिंग सच लॉन्ग लेक्चर्स. सो यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन यू आर रीडिंग अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ दैट थिंग देन द एंटायर प्रोसेस विल बिकम ईजी. अगर आप इसको रट रट के पढ़ोगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे दिल्ली का पूरा क्या इशू है. तो अगेन रेफर दिस लेक्चर, रेफर द PDF, गेट इन टच विद मी एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. We'll meet again in the next session. I hope you like this video. I hope you subscribe to this channel and be updated to get further information. Thank you. See you again. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.